Hello friends. So friends, today we are going to start a new lesson of fourth English subject, fourth standard and English subject. So the number of our lesson is fourth and the name of our chapter, या फिर story कहेंगे, right? That is Jenny's Amber Beads. Jenny's Amber Beads. So friends, previous videos में हमने three stories तो पढ़ लिए थे. राइट, थ्री स्टोरीज हमने स्टडी कर लिए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ न्यू स्टोरी ऑफ जेनीज एम्बर बीड्स. सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि जेनीज एम्बर बीड्स की स्टोरी क्या है. सो जेनी वॉज अ लिटिल स्कॉटिश गर्ल हु लिव्ड अमोंग द हाईलैंड. सो देखो, जेनी ये स्कॉटिश गर्ल का नाम है. जेनी ये एक स्कॉटिश गर्ल का नाम है, यानी कि जो स्कॉटलैंड में रहती है. ओके, सो जेनी ये एक स्कॉटिश गर्ल का नाम है जो हाईलैंड्स के बीच में, यानी कि अमोंग द हाईलैंड्स, हाईलैंड्स के बीच में रहती है. हाईलैंड्स मतलब जहाँ बहुत सारे माउंटेन्स है. हाईलैंड्स यानी जहाँ बहुत सारे माउंटेन्स है, जिसे आप माउंटेनियस रीजन भी कह सकते हो. ठीक है, और स्कॉटलैंड में माउंटेनियस रीजन हमें मिलता है नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट एंड दिस साउथ. सो स्कॉटलैंड में हमें माउंटेनियस रीजन मिलता है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में. सो यानी कि नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में, राइट. सो स्कॉटलैंड में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में माउंटेनियस रीजन होता है जहाँ जेनी रहती है. ओके, शी लिव्ड इन अ सिंपल हट इन अ ब्यूटिफुल हिल. सो जो जेनी है वो बहुत ही सिंपल घर में रहती थी, एक सिंपल हट में रहती थी बिटवीन द ब्यूटीफुल हिल्स. अभी हाईलैंड से यानी कि माउंटेनियस रीजन है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल वो व्यू होगा, राइट, कितनी ब्यूटीफुल वहाँ सीनरी होगी. सो इन ब्यूटीफुल हिल्स में जेनी रहती थी. जेनीज फादर केप्ट शिप ऑन द हिल साइड एंड जेनी एंड हर मदर स्पन एंड वोव ब्यूटीफुल क्लोथ ऑन देयर लूम. तो देखो, जेनी के जो फादर थे वो शिप को हिल साइड में रखते थे, यानी जेनी के जो जेनी के जो फादर है उनके पास शिप थी, यानी कि उन्होंने खरीदी थी, उनके पास शिप थे और वो उनकी देखभाल करते थे हिल साइड में. एंड जो जेनी है एंड जेनी की जो मदर है वो कपड़े को सीती थी, स्पर्न यानी कि काटना, वो यानी कि सीना. सो अगर न्यू ब्यूटीफुल क्लोथ्स बनाने या फिर ब्यूटीफुल क्लोथ बनाने, तो काटना सीना तो होता ही रहेगा, राइट. तो स्पर्न, स्पर्न यानी कि जब हम क्लोथ को काटते हैं, एंड वो यानी कि सीना. सो जेनी एंड जेनी की मदर ये लूम्स पे, यानी जो सिलाई मशीन होती है ना उसे हम लूम्स कहते हैं. सो लूम्स पे ये ब्यूटीफुल क्लोथ को बनाती थी. सो वन थिंग दैट जेनी ट्रेजर्ड वॉज द नेकलेस ऑफ एम्बर बीड्स. सो देखो, वन थिंग दैट जेनी ट्रेजर्ड वॉज अ नेकलेस ऑफ एम्बर बीड्स. सो देखो, जेनी एक, जेनी के पास एक चीज थी जिसे वो अपना ट्रेजर मानती थी. ट्रेजर यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत स्पेशल हो, एक ऐसी चीज जो बहुत स्पेशल हो और जिसकी हम बहुत ही केयर करते हैं, उसे हम ट्रेजर कहते हैं, राइट. तो जेनी के पास एक ऐसी चीज थी जो उसके लिए ट्रेजर थी, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा स्पेशल. और वो इम्पोर्टेंट ट्रेजर कौन सा था? एक नेकलेस, एक नेकलेस जो बना था एम्बर बीड से. सो अब जो स्टोरी है वो स्टार्ट होगी. सो वो जो नेकलेस था वो बना है एम्बर बीड से. अभी एम्बर बीड क्या होते हैं? सो एम्बर ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हार्ड येल्लोइश होता है. कैसे होता है? येल्लोइश ब्राउन होता है. सो एम्बर यानी कि येल्लोइश ब्राउन कलर का बहुत हार्ड सब्सटेंस रहता है. सो उसके जो बीड्स हैं, यानी कि उसकी जो मोती है, उससे वो नेकलेस बना था. सो येल्लोइश ब्राउन यानी कि जैसे हनी, हनी कैसा बहुत शाइनी टाइप रहता है, उसी तरीके से ये मोती, ये बीड्स थे बहुत ही ज्यादा शाइनी. सो और इन शाइनी बीड्स से ये नेकलेस बना था, और ये नेकलेस लेने के लिए बहुत ट्रेजर्ड था, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेशल था. अब ये क्यों स्पेशल था वो देखिए. हर ग्रैंड मदर हैड गिवन द बीड टू जेनी ऑन हर 12th बर्थडे. सो ये जेनी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि
ये नेकलेस जेनी की ग्रैंड मदर ने उसे उनके 12th बर्थडे पे, जेनी के ग्रैंड मदर ने कब दिया था, 12th बर्थडे, जेनी का जब 12th बर्थडे था तब उनके ग्रैंड मदर ने उनको ये एम्बर बीड्स का नेकलेस दिया था. द बीड्स हैड द रिच कलर ऑफ ब्राइट सनशाइन. सो देखो, तो ये जो बीड्स है उनमें एकदम रिच कलर था, जैसे कि ब्राइट सनशाइन, यानी कि जो सनशाइन रहता है उसका कैसा ब्राइट कलर रहता है, सेम उसी कलर का ये एम्बर बीड्स का नेकलेस जेनी के पास था, जो उसके ग्रैंड मदर ने उसके 12th बर्थडे पे दिया था. व्हेन एन एम्बर बीड वॉज रब्ड इट गेव ऑफ अ फ्रेग्रेंस एंड इट कुड अट्रैक्ट थिंग्स लाइक अ मैग्नेट. तो ये जो नेकलेस है जो एम्बर बीड से बना था, तो जब हम उसे रब करते हैं, जब उसे रब किया जाता है, तब उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, जो बहुत सारी चीजों को, यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है. जैसे मैग्नेट, मैग्नेट किसे आयन को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से ये जो नेकलेस है ये उसकी खुशबू से, ये उसकी फ्रेग्रेंस से बहुत सारे इंसेक्ट को, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी. इनसाइड वन ऑफ हर बीड वॉज अ डेलिकेट बीट ऑफ फंगी मॉथ इन द ग्लो ऑफ येलो लाइट. सो देखिए, सो अब ये नेकलेस कैसा था उसके बारे में बताया है, क्योंकि नेकलेस तो स्पेशल था ये हमें पता है, और नेकलेस रब करने के बाद बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी जो बहुत सारे इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, राइट. सो उस नेकलेस में क्या था हम वो देखते हैं. सो एक बीड में, यानी कि नेकलेस के एक बीड में एक डेलिकेट सी फंजी मॉस थी. फंजी मॉस यानी कि ऐसा प्लांट जिसे फ्लावर नहीं होते, ऐसा प्लांट जिसे फ्लावर नहीं होते और जो वेट सॉइल यानी कि जो गीली मिट्टी है वहां ग्रो होते हैं, जैसे कि रॉक्स पे, राइट, जैसे कि रॉक्स पे, ब्रिक्स पे. ये फंजी मॉस ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते, दैट इज फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, जो गीली मिट्टी यानी कि वेट सॉइल पे, जैसे कि रॉक हो गया या फिर वेट सरफेस जैसे कि ब्रिक हो गया, इस पे ये फंजी मॉस ग्रो होते थे. ओके, सो एक बीट में फंजी मॉस थे इन अ ग्लोब ऑफ येलो लाइट. सो सारे बीट्स तो येलो कलर के थे, राइट. सो ये जो फंजी मॉस थी, ये ऐसा प्लांट था एंड ये प्लांट उस येलो ग्लोब में, यानी कि उस येलो बीड में फिक्स हुआ था, एज इफ इट वेयर इन द सनलाइट. और वो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे कि जो मॉस है यानी कि जो प्लांट है ये एक सनलाइट के सामने थे. ये जो मॉस प्लांट है ये सनलाइट के सामने है, वो इस तरीके से दिख रहा था, क्योंकि बीड का कलर तो ब्राइट सनलाइट का कलर है, राइट, ब्राइट सनलाइट जैसे कलर है. सो ऐसा लग रहा था कि ये जो ग्रीन प्लांट है ये एकदम ब्राइट सनलाइट के सामने है, उन्हें उस बीड को देखते ऐसे लग रहा था. इनसाइड अनादर वॉज अ टाइनी फ्लाई, हिज लिटिल विंग्स आउटस्प्रेड एंड रेज्ड फॉर द फ्लाइट. तो देखिए, एक बीड में तो समझ में आ गया कि मॉस था, सेकेंड बीड में था टाइनी फ्लाई, यानी कि एकदम छोटा सा इंसेक्ट था जिसके विंग्स जो है वो आउटस्प्रेड थे. आउटस्प्रेड यानी कि एक ऐसा फ्लाई था जो उड़ने के लिए तैयार था, एक ऐसा फ्लाई था जो उड़ने के लिए तैयार था, इसके विंग्स आउटस्प्रेड थे यानी कि खुल गए थे और ऐसे लग रहा था कि वो अभी उड़ने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट बीड में एक टाइनी फ्लाई था जो उड़ने की कोशिश कर रहा है. देन वन बीड, देन वन बीड हेल्ड टू पाइन नीडल्स लाइंग अक्रॉस ईच अदर. सो अब जो नेक्स्ट बीड है उसमें थे टू पाइन नीडल्स. पाइन ट्री तो हमें पता है, राइट, जो माउंटेनियस रीजन में ग्रो होता है. सो पाइन ट्री के टू लीव्स थे, और लीव्स कैसे नीडल टाइप्स होते हैं. सो जो पाइन ट्री है उनके नीडल से ऐसे अक्रॉस यानी कि एक दूसरे पे ऐसे क्रॉस करके वहां पे प्लेस्ड हुए थे, यानी कि वहां पे जॉइंट हुए थे. अ बी वॉज, एक बीड में, ओके, अ बी वॉज लॉस्ट इन अनादर बीड विच लुक लाइक फ्रोजन हनी. ओके, तो देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बीड्स में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है. पहले बीड में था मॉस यानी कि जो फ्लावरलेस प्लांट है वो था, नेक्स्ट बीड में था
ऐसा एक छोटा सा फ्लाई जो उड़ने की कोशिश कर रहा है। थर्ड बीड में था एक पाइन के नीडल्स जो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके ऐसे फिक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट बीड है उसमें था एक बी, उसमें एक बी था जो फिक्स्ड हो चुका था, लॉस्ट यानी कि जो फिक्स हो चुका था, बहुत टाइटली फर्मली वहां अटैच हो चुका था। तो ये बी वहां इतने टाइटली फिक्स्ड हो चुका था कि वो एक फ्रोजन हनी जैसे वहां लग रहा था। सम बीड्स हैड गोल्डन बीटल्स इन देम, और कुछ बीड्स में गोल्डन बीटल्स थे, यानी कि जो रेनी सीजन में जो कलरफुल बीटल्स आते हैं ना, जो कलरफुल इंसेक्ट रहते हैं, राइट। तो ये जो रेनी सीजन में जो कलरफुल इंसेक्ट आते हैं, तो वो उन इंसेक्ट कुछ बीड्स में थे और उन इंसेक्ट का कलर गोल्डन था, गोल्डन भी रहते हैं बीटल्स। तो ये आप जब फोटो देखोगे गूगल पे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बीटल्स हम किसे कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इसमें क्या था, बी, बी जो येलो येलो कलर का एक पार्ट रहता है, राइट। तो बी जब वहां फिक्स थी तो ऐसे लग रहा था कि वो एक फ्रोजन हनी है, यानी कि वहां हनी जम गया है, वो इस तरीके से लग रहा था। एंड नेक्स्ट बीड्स में थे गोल्डन बीटल्स, यानी कि जो रेनी सीजन में इंसेक्ट होते हैं ना, वो थे बहुत सारे बीटल्स में, कुछ बीटल्स में। द बीड्स वेर ऑल्सो ब्यूटीफुल दैट जेनी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट एडमायरिंग देम। सो यस, तो वो नेकलेस इतना ब्यूटीफुल था कि जेनी बहुत सारा टाइम उस नेकलेस को देखने में ही लगा देती थी। यस, बिकॉज देखो आपने जब उस नेकलेस के बारे में सुना तब ऐसा लग रहा था कि हमें भी चाहिए ये नेकलेस। तो उसी तरीके से जो जेनी है वो उस नेकलेस को बहुत देर तक देखती ही रहती थी। जेनीज ग्रैंड फादर हैड गॉट द बीड्स फ्रॉम द रेक ऑफ अ शिप गो शॉक। सो जेनी के ग्रैंडफादर ने ये बीड्स लाए थे, कहाँ से लाए थे, एक शिप से जो पूरी टूट गई थी, यानी कि शिप के जो पार्ट है वहां से ये बीड्स उन्होंने लाए थे, और उस शिप का नाम गो शॉक, विच हैड संक इन द सी वाटर नियर हिज हाईलैंड होम। सो जेनी के ग्रैंडफादर ने ये जो शिप टूट गई थी, जो शिप के पार्ट्स थे जो बिखर गए थे, उन पार्ट्स से उन्होंने बीड्स लाए। और ये शिप क्यों टूटी थी और ये शिप उन्हें कहाँ से मिली, तो ये शिप उनके हाईलैंड होम के नियर जो वाटर है, सॉरी जो सी है, वहां से उनको ये शिप मिली, क्योंकि ये शिप हो चुकी थी संक, यानी कि ये शिप डूब चुकी थी और उनके जो डिफरेंट पार्ट थे वो वहां पे थे, और जेनी के ग्रैंडफादर ने उन पार्ट से ये बीड्स को ढूंढ निकाला, ओके। ही हैड गॉन लुकिंग फॉर व्हाट ही कुड सेव फ्रॉम द रेक। देखो ये जेनी के जो फादर है ये उस शिप में देखने गए थे, यानी गो शॉक में देखने गए थे कि वो इस रेक में थे, रेक यानी कि जो शिप के पार्ट थे जो टूट चुके हैं उसमें से, ठीक है, रेक यानी कि क्या, शिप के जो टूटे हुए पार्ट थे। तो जेनी के ग्रैंडफादर उस रेक में ढूंढने गए थे कि वो इस रेक में से क्या क्या चीजें ला सकते हैं। और जब वो ढूंढने लगे कि वो क्या क्या चीजें ला सकते हैं, यानी कि क्या क्या अच्छी चीजें उनकी काम की, तब उन्हें क्या मिले, बीड्स। तो कैसे मिले वो बता रहे हैं, देखिए। देयर अमोंग द स्लीपरी सीवीड्स ही हैड एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन हिज पीस ऑफ एम्बर। तो देखो जेनी के फादर उस रेक पे कुछ यूजफुल थिंग ढूंढने गए थे, और जब वो ढूंढ रहे थे ढूंढते ढूंढते उनका पैर, सॉरी ढूंढते ढूंढते वो स्लीपरी सीविड, यानी कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिससे हम स्लीप हो सकते हैं, राइट। अभी सी के पास है हम तो सीविड्स तो रहेंगे, यानी कि सी के जो प्लांट्स रहते वो तो रहेंगे, और वो कैसे रहते, स्लीपरी रहते, यानी कि जिससे हम फिसल सकते हैं। तो ऐसे प्लांट जिससे हम फिसल सकते हैं उसे स्लीपरी सीविड्स कहते हैं। तो जब जेनी के फादर उस रेक में ढूंढ रहे थे तब उन्हें स्लीपरी वेड्स से क्या मिला, पीस ऑफ एम्बर। तो स्लीपरी वेड्स के बीच में ऐसे पीस ऑफ एम्बर पड़ा हुआ था, तो उन्हें वो एक्सीडेंटली यानी कि अचानक से मिल गया,
पीस ऑफ एम्बर यानी कि येलो ब्राउन सब्सटेंस। ओके, तो वो कुछ ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते उन्हें पीस ऑफ एम्बर मिल गया। कहाँ से मिल गया? स्लीपरी सी विड में। इट वॉज क्लियर शाइनी लंप एंड ऑल द क्रिएचर्स हैड बीन एम्बेडेड इन इट। सो देखो, ये जो पीस ऑफ एम्बर था ये बहुत ही क्लियर था, यानी कि एम्बर का एक टुकड़ा पीस। ओके, ये बहुत ही क्लियर था, बहुत ही शाइनी था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो हनी कलर का था और हनी कैसे बहुत शाइनी रहता है, राइट? उसी तरीके से ये एम्बर के पीस थे। तो ये जो एम्बर बीट है, सॉरी पीस ऑफ एम्बर है, ये बहुत ज्यादा शाइनी था, शाइनी लंप यानी कि पीस था, एक पूरा ऐसे पीस था, एक पूरा टुकड़ा था एम्बर का जो पूरा क्लियर था, पूरा शाइनी था। और उस पूरे पीस ऑफ एम्बर में बहुत सारे क्रिएचर, जैसे हमने ऊपर बात की, मॉस है, देन फ्लाई है, इंसेक्ट है, इन्हें हम क्रिएचर्स कहते हैं, राइट? इंसेक्ट है बहुत सारे, देन बीटल्स है, ये भी इंसेक्ट है, सो इन्हें हम क्रिएचर्स कहते हैं, राइट? सो ये ऐसे पीस ऑफ एम्बर था जिसमें बहुत सारे क्रिएचर एम्बेडेड थे। एम्बेडेड यानी कि बहुत स्टिकली वो फिट हो चुके थे, बहुत स्टिकली वो फर्मली अटैच हो चुके थे उस पीस ऑफ एम्बर से। सो ऐसा पीस ऑफ एम्बर उन्हें मिला उस रेक ऑफ शिप से। अब देखिए उन्होंने क्या किया इस ब्यूटीफुल एम्बर का। फ्रॉम दिस लंप, यानी कि ये जो लंप था, ये जो पीस ऑफ एम्बर था, इससे उन्होंने क्या किया? ग्रैंडफादर हैड कर्व्ड आउट बीड्स हिमसेल्फ एंड हैड गिवन देम टू हिज वाइफ एज अ वेडिंग गिफ्ट। सो देखो, ये जो लंप है, ये जो पीस ऑफ एम्बर है, तब जब उनको मिला वो लेके आ गए और ग्रैंडफादर ने उसे कार्व किया, यानी कि उस जो पीस ऑफ एम्बर है उसे कट किया प्रॉपरली, और कट करने के बाद उन्होंने अच्छे से उसमें से बीड्स बनाए, उस पीस ऑफ एम्बर को तोड़ा, कट किया एंड उसमें से बहुत ही अच्छे से बीड्स बनाए खुद से, खुद से उन्होंने वो बीड्स बनाए एंड ये उन्होंने उनके वाइफ को दिया एज अ वेडिंग गिफ्ट, यानी कि शादी का तोहफा, राइट? वेडिंग गिफ्ट यानी कि शादी का तोहफा। सो वेडिंग गिफ्ट के तौर पे उन्होंने क्या दिया? ये बीड्स को दिया, जो बीड्स उन्होंने खुद बनाए थे पीस ऑफ एम्बर से। सो ही हैड वर्क्ड वेरी केयरफुली टू सेव द एम्बेडेड इंसेक्ट। सो अब देखो, वो पूरा लंप था, यानी कि पूरा एक पीस था, पूरा एक टुकड़ा था, उससे उन्होंने बीड्स को बनाया, यानी कि छोटे छोटे मोतियों को बनाया, मतलब देखो कितना हार्ड वर्क किया था उन्होंने, राइट? सो उन्होंने खुद से ये हार्ड वर्क किया एंड बहुत ही केयरफुली से, बहुत ज्यादा केयरफुली से उन्होंने वो जो इंसेक्ट जो फिट हो चुके थे, वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच हो चुके थे, उनको सेव करके, यानी कि उनको कुछ वो जैसे अटैच थे वैसे ही उन्हें वहां रहने दिया, बिना उसे नुकसान पहुंचाए उन्होंने केयरफुली से वो बीड्स को बनाया। जैसे हर बीड्स में डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट आ गए, राइट? डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर आ गए, सो उन्होंने बहुत ही केयरफुली से उस बीड्स को बनाया था। और विड इन ईच पीस, तो इंसेक्ट या फिर जो वीड था, यानी कि जो प्लांट था, जो ग्रास था, उससे भी प्रॉपरली अच्छे से बिना कुछ डिस्टर्ब किए, बिना कुछ तोड़े, उसे प्रॉपरली उस बीड्स में एडजस्ट कर लिया। हाउ हिज यंग वाइफ हैड लव्ड इट। कैसे, अभी देखो, इतने अच्छे से, इतने ब्यूटीफुल तरीके से वो बीड्स को बनाया था, तो कैसे उनकी जो वाइफ थी उन्हें पसंद नहीं आता, राइट? She had worn it for many years and then had left it to her granddaughter. So उनकी जो young wife थी, उनको ये बहुत पसंद आया था और उन्होंने बहुत years के लिए, बहुत सालों के लिए ये जो necklace है वो पहना था and बाद में उन्होंने इस necklace को उनकी granddaughter के लिए छोड़ दिया, जब वो granddaughter आएगी उनकी तो वो ये necklace उनको दे देंगे। So अब हमें पता चल गया कि नेकलेस कहाँ से आया है, राइट? और नेकलेस में क्या क्या है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या बताया। बट व्हाट पजल्ड जेनी वाज हाउ द एम्बर केम टू बी ऑन द सी शोर एंड हाउ द बीज
the moss and the other creature had got inside. Yes, ये क्वेश्चन तो अभी हम सभी में आ चुका है कि जेनी खुद पजल थी, यानी कि जेनी खुद कंफ्यूज थी कि जो एम्बर है ये सी शोर में कैसे आया, और जो इस बीड्स में जो बीज है यानी कि मधुमक्खी है, जो मॉस है यानी कि वो जो प्लांट है, और जो डिफरेंट क्रिएचर है यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट है वो इस एम्बर बीड में कैसे आए, ये सभी को क्वेश्चन था, यानी कि जेनी को भी और हमें भी. सो शी लुक्ड इट अप इन अ बुक. सो जेनी ने एक बुक में ढूंढने की कोशिश की कि ये एम्बर बीड कैसे बनाए हैं. सो शी लर्न ओके शी लर्न दैट लॉन्ग बिफोर एनी ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ. सो जेनी ने उस बुक में देखा, जेनी ने ये सीखा, देखा या फिर रीड किया, सीखा बोल सकते हो, कि बहुत सालों पहले ह्यूमंस ये अर्थ पे आए थे. द स्कॉटिश हाईलैंड्स वेर कवर्ड विथ फॉरेस्ट. सो जो स्कॉटिश हाईलैंड थे ये पूरे फॉरेस्ट से कवर थे, यानी कि पूरे यहाँ फॉरेस्ट की फॉरेस्ट था. देयर वेर ओक्स पॉपलर्स बीचेस एंड पाइन्स. सो फॉरेस्ट से बना था यानी कि ट्रीज से, और ये जो पूरे फॉरेस्ट थे इनमें ओक थे. ओक ट्री जो बहुत ही लार्ज ट्री रहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री रहते हैं, और जिसकी जो स्टेम है वो हार्ड वुड की होती है, यानी कि इट वॉज वुडी स्टेम. देन पॉपलार्स होते हैं, पॉपलार्स ये भी लार्ज होते हैं, टॉल होते हैं, बट ये जो ट्री है ये थिन रहते हैं यानी कि पतले रहते हैं. देन बीचेस, बीचेस अगेन ये लार्ज फॉरेस्ट ही होते हैं जो ग्रे कलर के स्टेम के साथ होते हैं. एंड पाइन अगेन, पाइन ट्री तो हमें पता है जो अगेन बहुत ही टॉल रहता है बट पतला रहता है, और जिसके लीव जो रहते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, लाइक अ नीडल, राइट. सो बहुत पहले ये जो स्कॉटिश हाईलैंड था ये फॉरेस्ट से कवर था, और उस फॉरेस्ट में से डिफरेंट डिफरेंट यूनिक सॉरी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ट्रीज थे, प्लांट्स में ट्रीज थे. सो अमॉन्ग देम वॉज वन काइंड ऑफ पाइन, tall and stately, from which a shining yellow gum flowed. So, उन्होंने ये पढ़ा कि इन सारे फॉरेस्ट में, इन सारे ट्रीज में एक ऐसा ट्री था, एक पाइन ट्री था, एक पाइन ट्री था जिसमें से टॉल एंड स्ट्रेट, जो एक बहुत ही टॉल था और बहुत एकदम स्ट्रेट खड़ा था, ये काइंड ऑफ पाइन ट्री था जो बहुत स्ट्रेट खड़ा था, जिसमें से एक येल्लो शाइनी गम फ्लो कर रहा था, जिसमें से येलो शाइनिंग गम फ्लो कर रहा था, यानी कि उसके ट्रंक से एक शाइनिंग गम फ्लो यानी कि बह रहा था, राइट. सो दिस ब्यूटीफुल येलो गम वॉज फ्रेग्रेंट. और ये जो ट्री है जो बहुत बड़ा है, टॉल है, जो स्ट्रेट खड़ा है, इस ट्री में येलो शाइनिंग गम बह रहा था जिसके ट्रंक से, और ये जो शाइनिंग गम है ये इसके पास एक ब्यूटीफुल सी फ्रेगमेंट थी. Yes, येलो गम में क्या थी, एक ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंट थी. तो क्या हुआ, देखो, थाउजेंड्स ऑफ लिटिल इंसेक्ट फ्लटर्ड अबाउट इट इन द वार्म सनशाइन. सो इस येलो गम, ये येलो गम तो बह रहा था यानी कि फ्लो हो रहा था उस ट्रंक से, सो बहुत सारे इंसेक्ट उस फ्रेगमेंट को, फ्रेगमेंट से अट्रैक्ट हो रहे थे, एंड अट्रैक्ट होने के बाद ये बहुत सारे इंसेक्ट उस ट्री के अराउंड फ्लटर, यानी कि उस ट्री के अराउंड घूम रहे थे. अबाउट इन द वार्म सनशाइन, जो गर्म सनशाइन यानी कि जो सुबह की सनशाइन रहती है, राइट. सो तब बहुत सारे इंसेक्ट उस ट्री के अराउंड घूमते रहते थे बिकॉज वो उस येलो गम के फ्रेगमेंट से बहुत अट्रैक्ट हो चुके थे, यानी कि उनको वो फ्रेगमेंट बहुत अच्छी लगी, इसीलिए वो हमेशा उस ट्री के अराउंड घूमते थे. दे वेर अट्रैक्टेड बाय प्लीजेंट स्मेल, परहैप्स टू बाय स्टेप. सो ये जो इंसेक्ट है ये उस गम के ब्यूटीफुल से, बहुत जो ब्यूटीफुल से स्मेल से अट्रैक्ट हो चुके थे, एंड ऑल्सो बाय स्टेप यानी कि उनका उस जो गम का टेस्ट है उससे भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे. सो वंस दे एनलाइटेंड अपॉन इट, दे स्टक फास्ट एंड कुड नॉट गेट अवे. सो अब हुआ क्या कि वो गम फ्लो हो रहा था और गम फ्रेग्रेंट था, यानी कि उस गम में बहुत अच्छी खुशबू थी,
और उस खुशबू से अट्रैक्ट होके बहुत सारे इंसेक्ट वहां घूम रहे थे और उसके टेस्ट भी उनको पसंद आता था। सो जैसे ही वो इंसेक्ट उस गम को खाने जाते थे, तब वो गम से इतने स्टक फास्ट, यानी कि वो गम स्टिकी था, राइट? वो गम क्या था? गम ऑफकोर्स स्टिकी। सो वो गम स्टिकी था, तो वो इंसेक्ट जब भी उसे खाने जाते थे, जब भी उस पर बैठते थे, तो वो इतने जल्दी उस पर स्टक हो जाते थे, इतने जल्दी उस पर अटैच हो जाते थे कि बाद में वो बाहर उड़ ही नहीं पाते थे। वो जाके इतने जल्दी चिपक गए उस पर कि वो बाद में उड़ ही नहीं पाते थे। द ग्रेट येलो ड्रॉप ओजिंग आउट सराउंडेड एंड एट लास्ट कवर्ड देम एंटायरली। सो अब देखो, जैसे ही वो इंसेक्ट उन पे बैठते थे, वो जो स्टिकी गम था, उन्होंने उन इंसेक्ट को इतने हार्डली, यानी कि इतने फर्मली स्टिक कर दिया कि वो इंसेक्ट उड़ ही नहीं पाते थे, उससे दूर अभी जा ही नहीं पाते थे। और वो जो गम था, जो स्लोली स्लोली नीचे आ रहा था, जो स्लोली स्लोली फ्लो हो रहा था, उन्होंने धीरे धीरे उस इंसेक्ट को क्या कर दिया, पूरी तरीके से सराउंड कर लिया, यानी कि वो गम पूरे अराउंड उनके चला गया, और जिसके कारण वो इंसेक्ट जो थे, वो क्रिएचर जो थे, वो उस गम में पैक हो गए, राइट? सो विंड ब्लोन, अभी इंसेक्ट के बारे में पता चल गया कि वो कैसे आए, उड़ रहे थे, प्लास्टिक हो गए, और जो गम था उसने सराउंडिंग, उसको सराउंड कर लिया, जिसके कारण वो इंसेक्ट उसके अंदर ही रह गए। नाउ अब देखते हैं कि प्लांट्स कैसे आए, लीव्स कैसे आए। सो विंड ब्लोन बीट्स ऑफ मॉस, लीव्स, एक्रॉन्स, कोन्स एंड लिटिल स्टिक्स टू देयर सून स्टक इन द फास्ट ग्रोइंग गम। सो अब देखो, इंसेक्ट के बारे में पता चल गया, वो तो खुद से आते थे, पर जो मॉस थे, देन लीव्स थे, एक्रॉन्स यानी कि जो ओक ट्री के जो नट्स थे, देन कोन्स एंड जो छोटे छोटे स्टिक्स थे, वो तो विंड के कारण वहां आ जाते थे, वो तो विंड के कारण उड़ते उड़ते, वो विंड के कारण फ्लाई होते होते उस गम की तरफ आ जाते थे और स्टिक हो जाते थे। और वो जो फास्ट ग्रोइंग गम है, यानी कि वो जो फ्लो हो रहा था, वो जो गम, उसने इन सभी को, लीव्स को, स्टिक्स को क्या कर लिया, अगेन अपने से अटैच कर लिया, यानी कि स्टिक कर लिया, और इसे स्ट्रॉन्गली स्टिक कर दिया कि फिर से ये जो थिंग से, जो हवे से, यानी कि विंड से उड़ते उड़ते आए, फ्लो करते हुए आए, वो भी फिर से बाहर नहीं निकल पाए, एंड अगेन इस गम ने उन्हें सराउंड कर लिया। As time went by, the gum hardened more and more and became amber. So, जैसे ही time pass होता गया, यानी कि वक्त बीतता गया, वैसे ये जो gum है, ये बहुत और भी ज्यादा hard, यानी कि और भी ज्यादा मजबूत बनता गया, और बाद में वो amber, यानी कि एक पूरा piece बन गया, right? यानी कि एक पूरा piece बन गया, क्योंकि वो गम धीरे 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 क्या होता गया, हार्ड होता गया, जिससे वो थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो एम्बर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक पूरे मोती साइज में कन्वर्ट हो गया। सो अभी हमें पता चला कि नेकलेस बना कैसे और कितने अच्छी तरीके से वो बना है, ये भी हमें पता चल गया। पर अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो एम्बर बीट है, वो सी शोर में, यानी कि उस शिप में कैसे आए, यानी कि वो शिप के किनारे, सी के किनारे कैसे आए, बिकॉज जो जेनी के फादर थे, वो तो जो रेक है, यानी कि शिप के जो टूटे हुए पार्ट्स है, उनमें से कुछ ढूंढ रहे थे, है ना? सो जेनी को ये जानना था कि जो नेकलेस है, जो एम्बर है, वो सी शोर पे कैसे आया। सो चलिए हम पढ़ते हैं उसके साथ कि वो नेकलेस, वो एम्बर सी शोर पे कैसे आए। In those very old times, the land sometimes sank down into the sea, so deep that the water covered the very mountains top. Okay, so देखिए उस time पे, यानी कि पुराने time पे, यानी कि old time पे, पहले के time पे जो land था, यानी कि जो जमीन थी, वो पानी में, यानी कि वो sea में इतनी डूब गई कि जो mountain के top थे, वो भी cover हो जाते थे। यानी कि आप सोच सकते हो कि जो सी है, वो कितने ऊपर आती थी, और सी इतने ऊपर आती थी कि
जो लैंड है, जो माउंटेन्स है, वो सारे सीखे अंदर चले जाते थे. एंड देन आफ्टर सेवरल सेंचुरीज द लैंड वॉज स्लोली लिफ्टेड अप अगेन. तो अब देखिए, सी के कारण लैंड एंड माउंटेन टॉप सॉरी लैंड एंड माउंटेन्स ये पूरे सी के अंदर चले गए. बट कुछ सेंचुरी के बाद, बहुत सारे ईयर्स के बाद, फिर से लैंड ऊपर आ गया. फिर से क्या हुआ, लैंड ऊपर आ गया. द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, द ओक्स, द पॉपलार्स एंड द एम्बर पाइन सैंक इन टू द डीप सी. यस, ये जो ग्रेट फॉरेस्ट था, राइट, जो स्कॉटलैंड में फॉरेस्ट था, वो भी क्या हो गया, वो भी इस डीप सी में डूब गया. क्यों? क्योंकि पानी जो है वो इतना ऊपर आ चुका था कि वो माउंटेन टॉप तक पहुंच गया, जिसके कारण ये जो सारे ब्यूटीफुल ट्रीज थे वो भी डूब गए. देयर लाइंग एट द बॉटम ऑफ ओशन द वुड्स एंड द गम हार्डन लाइक अ स्टोन. पर देखो, अभी जो ओशन के बॉटम में, यानी कि सी के बॉटम में, ओशन के बॉटम में ये जो वुड है एंड जो गम है वो तो स्टोन की तरह हार्ड हो गया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था वैसे वैसे गम हार्ड हो रहा था, राइट. सो देखो, सेंचुरीज तक पहुंच गए हम, तो आप समझ सकते हो कि वो जो गम है वो स्टोन जैसा बन चुका होगा, राइट. तो ये जो गम है ये पूरा स्टोन जैसे बन गया था, और वो ओशन के एकदम नीचे था, यानी कि बॉटम में था. ओनली द ग्रेट स्टोन कुड डिस्टर्ब देम एज दे ले हाफ बरीड इन द सैंड. तो देखो, सब कुछ नीचे डूब चुका था, सिर्फ लैंड थोड़ा सॉरी लैंड ऊपर आ चुका था, पर जो गम है जो स्टोन की तरह हार्ड हो चुका था, उसे सिर्फ ग्रेट स्टोन यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन ही उस हार्ड स्टोन को, यानी कि जो एम्बर का स्टोन है, उसे हिला सकता है. क्योंकि ये जो गम है, ये जो एम्बर बीट्स है, वो सैंड में सिर्फ आधे ही बरीड हुए हैं, यानी कि सिर्फ वो आधे ही अंदर जा चुके हैं. पर उन्हें कब बाहर निकाल सकते हैं हम, जब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टोम आए जो उन्हें बाहर निकाल सके. सो स्ट्रॉन्ग स्टोम से ही वो हार्ड जो स्टोन हो चुका है एम्बर का, वो बाहर निकल सकता है. इट वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट स्टोम दैट हैड ब्रॉट द लंप ऑफ एम्बर क्लोज टू द शोर वेयर जेनीज ग्रैंडफादर फाउंड इट. सो एक ऐसा ग्रेट स्टोम आया, एक ऐसा हार्ड स्टोम आया, जिसके कारण ये जो एम्बर बीट से वो सैंड से बाहर निकल के, यानी कि सी सॉरी ओशन के बॉटम से बाहर निकल के सी शोर पे, यानी कि जो किनारे हैं वहां आ गए, जहां जेनीज ग्रैंडफादर ने उन्हें ढूंढा, राइट. जहां जेनीज ग्रैंडफादर ने उसे ढूंढा, जो एम्बर स्टोन है वो शोर के पास मिला था. व्हेन ही गेव द नेकलेस टू हिज वाइफ ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज he was giving her a little piece of nature and that his granddaughter would wear it one day. So जेनी की grandfather ने जो इतना hard work किया और उन्हें ये जो amber bead जो sea shore से मिला और ये necklace वो उनकी wife को दे रहे थे, so जेनी की grandfather ने ये necklace उनकी wife को दिया था, right? और उन्हें ये पता नहीं था कि वो उनकी वाइफ को एक नेचर का पीस दे रहे हैं. उन्हें तो क्या लगा कि ये एम्बर बीट है, चलो ये एक ऐसा सब्सटेंस मुझे मिला है जो बहुत अच्छा है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक नेचर का ही पीस उनको दे रहे हैं. एंड उनको ये नहीं पता था कि वो नेचर का पीस दे रहे हैं और ये जो नेकलेस है बाद में उनकी ग्रैंड डॉटर ये पहनने वाली है, तो ये उनको पता नहीं था. बट उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत थॉटफुल यानी कि ब्यूटीफुल थॉट्स थे उनके, और जिसके कारण उन्हें एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस प्रेजेंट में उन्हें देते आया, और जो बाद में उनकी ग्रैंड डॉटर ने पहना, विच इज वेरी गुड थिंग. तो इस तरीके से जेनी एम्बर बीट ये स्टोरी खत्म होती, राइट. जो ब्यूटीफुल नेकलेस से स्टार्ट हुई, तो उस नेकलेस में क्या क्या है वो देखा हमने. मॉथ्स है, बहुत सारे ब्यूटीफुल से इंसेक्ट है, राइट. तो जेनी ने ढूंढने की कोशिश की कि ये एम्बर बीट सी शोर पे कैसे आए और इस एम्बर बीट में इतने सारे इंसेक्ट भी कैसे आए. जेनी ने एक बुक में देखा और उससे उससे पता चला कि पहले के जमाने में यहाँ बहुत सारे ह्यूमन बींग्स थे एंड बहुत यहाँ स्कॉटलैंड में बहुत सारे फॉरेस्ट थे,
जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज थे, एंड उसमें से पाइन ट्री को, पाइन ट्री के ट्रंक में था एक फ्रेग्रेंस वाला गम, फ्रेग्रेंस वाला येलो कलर का गम, जिससे बहुत सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते थे। बट वो गम बहुत चालाक था, गम बहुत स्टिकी था, जैसे उस पे कोई अटैक, सॉरी, जैसे उस गम पे अट्रैक्ट हो रहे थे तो इंसेक्ट वहां उस गम को खाने के लिए आते थे, और जैसे ही वो इंसेक्ट उस पे बैठते थे, गम ने क्या किया, गम उस इतना स्टिकी था कि वो इंसेक्ट बाद में जा ही नहीं पाए, और धीरे धीरे उस गम ने उनको सराउंड कर लिया, यानी कि पूरे उनको यानी कि इंसेक्ट उसके अंदर चले गए, राइट। एंड देन जो प्लांट थे वो विंड के ब्लो से आए, विंड के ब्लो से उस पे आ गए और अगेन स्टिक हो गए। तो इस तरीके से ट्री पे वो स्टिक हो गए, और धीरे धीरे वो जो गम है वो एम्बर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक बड़े से स्टो एम्बर में कन्वर्ट हो गया एक सब्सटेंस में। सो उस टाइम पे जो सी थे, जो सी था उसने क्या किया, सॉरी, वो जो सी थे वो क्या हो रहे थे, वो उन्होंने इतने ऊपर चले गए वो सी का लेवल कि वो लैंड को माउंटेन टॉप तक चले गए, जिसके कारण जो पूरा स्कॉटलैंड था, सॉरी, जो पूरा माउंटेन था, जो पूरा लैंड था वो डूब गया, और बहुत सारी सेंचुरीज के बाद लैंड फिर से ऊपर आ गया। पर जो गम है वो इतना हार्ड हो चुका था स्टोन की जैसा कि वो नीचे ही था, बट वो कैसा था, सैंड में आधा भरे था, यानी कि सैंड में आधा ही जा चुका था, और उसे कौन बाहर निकाल सकता था, सिर्फ एक ग्रेट स्ट्रॉन्ग स्टोन, एक जोर से जो हवा थी ना स्टोन उससे, तो ये जो ग्रेट स्ट्रॉन्ग स्टोन है उससे ही ये हार्ड गम या फिर हार्ड स्टोन निकल सकता था। एक बार एक ऐसा हार्ड स्टोन आया, एक ग्रेट स्टोन आया, जिससे वो जो एम्बर का स्टोन है वो बाहर निकल के सी शोर में आ गया, जो जेनी के ग्रैंड फादर को मिला, और उन्होंने उनके वाइफ को एज अ वेडिंग गिफ्ट दे दिया था एज अ पीस ऑफ नेचर। पर जो उन्हें पता नहीं था, जो उन्हें अभी पता चला कि वो पीस ऑफ नेचर है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, एंड बाद में उस नेकलेस को उनकी ग्रैंड डॉटर ने पहना। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जेनीज एम्बर बीट, विच इज द फोर्थ स्टोरी ऑफ फोर्थ इंग्लिश सब्जेक्ट। सो थैंक यू।